नमस्कार, आप एकासी न्यूज के साथ में हूं राकेश। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर में रखा गया, जहां पर सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पहले पटना एयरपोर्ट पर लाया गया और वहाँ पर उनके समर्थकों ने वहाँ पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके निजी आवास पहुंचा, उसके बाद विधानसभा परिसर भी ले जाएगा और अब बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां लोग नम आंखों से अपने नेता को अंतिम विदाई अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी को। ये तो एक समझिए कि बिहार के राजनीतिक जीवन में बड़ा ही डिस्टर्बिंग, मैंने परेशान करने वाली शून्यता का एहसास करा रहा है और यह शून्यता आने वाले लंबे समय तक हम लोगों को खलेगी और ख़ास तौर से जो एनडीए से जुड़े लोग हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए के गठनकर्ता नेताओं में से एक थे वो, इसलिए एनडीए के तो हम सभी लोग मर्माहत हैं और ईश्वर उनके इस असमय निधन से उनको शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सुशील जी से बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। 2005 में जब सरकार बनी वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय गुड गवर्नेंस जो 2005 से 10 हम लोग मानते हैं उसको बनाने में सुशील मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में, वो केमिस्ट्री इस पूरे गठबंधन को लेके चला उस समय को अगर ध्यान हो आप लोगों को, और इतना अपडेट रखना, इतना डेटा रखना, इतना अवेयर रहना चीज़ों को, कोई इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड नहीं था लेकिन जीएसटी काउंसिल में क्या होता है सारे चीज़ का खबर रखना, ये उनसे सीखने वाला चीज़ था। छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन के और बहुत ही मेहनती और जिगासु और लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है अपना अपना नीति सिद्धांत है, मगर सामाजिक कार्यों में वो बड़े समर्पित नेता थे। और मुझे याद आता है कि उस दौर में भी मतलब पहले तो मान लीजिए कि जनसंघ था, ठीक है, मगर नेता विरोधी दल जब थे वो तो उन्होंने शुरुआत की थी अपने यहाँ अवतार पार्टी, समझा करें। उनका जाना हम लोगों के लिए दुखद है और साथी के रूप में, संघर्षशील के रूप में हम लोग मर्माहत हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। काफी मर्माहत है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद। और सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, जाना चाहेंगे क्योंकि उनका पार्थिव शरीर सुशील कुमार मोदी का बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रखा गया है, कितने बजे तक उनका अंतिम संस्कार होगा और कितने बजे उनका जो अंतिम दर्शन है लोग कर पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा कि जो घाट है दीघा घाट पर उन्हें ले जाया जाना है, तो क्या पूरी तैयारी से लेकर जरूर बताएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, जहां पर कई लोगों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, ये सिर्फ बीजेपी के नेता यहां पर नहीं पहुंच रहे बल्कि विपक्षी पार्टियों के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं में भी शोकाकुल माहौल। जी गौतम, बताएं, जाना चाहेंगे तमाम जो लोग हैं, माननीय जो हैं, जो
माननीय हैं वो तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर रखा हुआ है और अंतिम दर्शन करने वाले लोगों की जो भीड़ है उस भीड़ को भी आप देखिए किस तरह से भीड़ जो है सुशील कुमार मोदी को अंतिम दोनों पुत्र जो है सुशील कुमार मोदी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ जो है उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बिहार मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ये तमाम लोग जो है यहाँ पर है। सुशील कुमार मोदी के प्रति जो एक विश्वास था वो विश्वास यहाँ पर लगता है और एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लाइन देखिए लाइन लगाने लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोगों को इस समय का इंतजार था। सुशील कुमार मोदी को जो है वो आखिरी बार जो देखेंगे वो उनको मौका कब मिलेगा।